तब जब उसने मेरा इंटरव्यू लिया तो देन उसको अपलोड किया तो सब तब मुझे बहुत से लोग जाने लग पड़े थे और मुझसे अपना स्केच बनवाना चाहते थे। बचपन से मुझे पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन स्टार्टिंग पर लोग बहुत डिमोटिवेट करते थे कि तुमसे नहीं बन पाएगा, या तुम नहीं बना पाओगे, या तुम्हारा सेम नहीं बनेगा। सो मैंने हार नहीं मानी और मैं प्रैक्टिस करता गया, क्योंकि मुझे पता था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ये कहानी है जब मैंने 7 साल की उम्र में पेंटिंग्स स्टार्ट की। सो स्टार्टिंग में तो मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और मैं प्रैक्टिस करता गया, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा मेरी पेंटिंग्स इम्प्रूव होने लग पड़ी थी। डिफरेंट डिफरेंट तरह की यूट्यूब पे वीडियोस देखी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेथड ट्राई किए, तो तब जाके पता चला कि कौन सा मेथड ठीक है मेरे लिए और कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ब्लेंडिंग के लिए, शेडिंग के लिए, शेडिंग कैसे की जाती है वो मैंने सीखा। सो आराम आराम से मेरी पेंटिंग्स इम्प्रूव होने लगी। सो स्टार्टिंग पर तो मैं नॉर्मल से पेज पर ट्राई करता था पेंटिंग या स्केचेस। सो उसके बाद मैंने एक अच्छा, अपने आप को प्रोफेशनल लेवल पर लाने के लिए एक मैंने अच्छा पेपर यूज़ किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था और वही ड्राइंग के लिए असली यूज़ होता था। तो मैंने वहाँ पर पेंटिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग पर लोग बहुत कहते थे कि नहीं बनेगा, और जब आप मेरी वो पेंटिंग्स देखते हैं तो अब वो भी हैरान रह जाते हैं कि मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट की है। तो जब मेरे काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई तो तब मेरे से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कॉन्टैक्ट किया और मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। तो तब जब उसने मेरा इंटरव्यू लिया तो देन उसको अपलोड किया तो सब तब मुझे बहुत से लोग जाने लग पड़े थे और मुझसे अपना स्केच बनवाना चाहते थे। तो सबसे पहले मुझे एक ऑर्डर दिया था, एक गर्ल ने अपना पोर्ट्रेट बनवाना था, तो तब मैंने वो ऑर्डर बनाया तो तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अगर आप कुछ लोग डिमोटिवेट करें तो आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Thank you.